भगवान की इच्छा से आते हैं। आज जब भगवान जब जिस काम के लिए संसार में आते हैं, जब ये काम पूरी हो जाता है, फिर ठाकुर जी की इच्छा से ही संसार से वो चले जाते हैं। हाँ, कभी कभी इनकी इच्छा मृत्यु है, जैसे श्री पितामह भीष्म, जब उन्होंने चाहे तभी मरे, उसको पहले नहीं मरे। जैसे हमारे संप्रदाय में हरिदास ठाकुर हुए, उनको भी ऐसे इच्छा मृत्यु है। भगवान सामने खड़े हुए, ठाकुर का नाम को लेते लेते अपने इच्छा से शरीर को उन्होंने छोड़ दिया है। जैसे ध्रुव महाराज जी, वो काल स्वयं आए और काल का सर के ऊपर में उनने प्यार रख करके ये सशरीर में, इस शरीर को उनको छोड़ना नहीं पड़ा, इसी शरीर समय को उन्होंने ठाकुर जी को पास में गए। इसलिए संत लोगों को मरना शब्द नहीं कहते हैं, कहते तिरोभाव। तिरोभाव मतलब होता है यहाँ दिखाई पड़ा तो यहाँ से चले गए, लेकिन गए तो गए कहाँ, बोला अपना ठाकुर जी को पास में चले गए, जहाँ से आए थे वहीं चले गए, फिर ठाकुर जी की सेवा में ही वो उसमें नियुक्त हो गए। इसलिए आज बहुत सारे संतों का तिथि है, हम 10 मिनट का एक संत कथा सुन लेते हैं। कहते श्री रघुनाथ दास गोस्वामी एक संतों के, हमारे जो 6 गोस्वामी में कहते जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, इनका नाम आता है। कि रघुनाथ दास गोस्वामी, साधारण लोगों का जो भावना है ये साधु कौन बन जाते हैं, बोले जिनको पैसा कमाने का कोई उपाय नहीं, धंधा है नहीं, खाने नहीं मिलता है, उसे वृंदावन बाबा बन करके और घूमते रहते हैं, हैं लोगों का धारणा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जितने सब भक्त लोग हुए ना, साधारण घर के नहीं, आज जिनका तिथि पल रहे हैं, कहते ये दो भाई, एक भाई का तो संतान नहीं लेकिन एक भाई का संतान है। कहते घर में इनके कितने ऐश्वर्य, बोले इंद्र के बराबर जिनके घर में ऐश्वर्य है, और पत्नी कैसे थी, वो अप्सरी जैसे उनकी पत्नी थी, इतनी सुंदरी पत्नी थी उनकी। लेकिन इनका वार्षिक आय करीब करीब उनका वार्षिक आय 10 लाख स्वर्ण मुद्रा उसी समय था, इतने। लेकिन उन्होंने जब उनको कृष्ण भक्ति की चस्का लगी ना, कहते साध्वी माधी की चिंता न भवती सर करे कर्क सासी। यहाँ पर कहते हैं अगर किसको राधा कृष्ण का प्रेम एक बूंद अगर किसको आस्वादन होना, संसार का सारी वैभव सुख उसको सामने फीकी पड़ जाती, उसको संसार का कोई भी आनंद उसको आनंद नहीं दे सकते। संसार में तो आनंद है ही नहीं, संसार में थोड़ी समय के लिए दिखता है आनंद है, लेकिन बाद में जो आनंद दिखता है वो पर दुख में परिणत हो जाता है, वही पर दुख में परिणत। संसार का कोई भी आप सुख देखना कोई बढ़ती नहीं, हर समय घटती है। जब शादी होती है उस समय क्या लगता है, पत्नी लगती है चंद्रमुखी, एक चंद्र आकाश में एक चंद्र हमारे पास में, लेकिन वही चंद्रमुखी कुछ दिन बाद में सूरजमुखी और ज्वालामुखी बन करके पति पत्नी में लड़ाई, ये एक सुने तो दो सुना दे, वो दो सुनाए वो चार सुना दे, फिर आपस में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। कोई भी अब संसार का बेटा नहीं बेटा नहीं बेटा हो गया, बात नहीं सुनता बेटा है बेटा, पैसा नहीं पैसा नहीं पैसा आएगा, भाई भाई में लड़ाई शुरू हो गई, कोर्ट कचहरी मामला शुरू हो गया। संसार में कोई भी आप चीज़ देखोगे ना, वो हर समय के लिए कोई चीज़ आपको सुख शांति नहीं देता है। कोई भी चीज़ देखोगे हर समय आनंद नीचे नीचे, लेकिन भक्ति जगत में वो आनंद कभी नीचे नहीं आता है, वो आनंद ऊपर बैठती रहती है, आनंद भक्ति जगत में बैठती रहती है। इसलिए जब इनकी कृष्ण भक्ति की चस्का लगी ना, कहते उन्होंने संसार का सारे सुख इनकी सामने फीकी पड़ गई, लेकिन इनको भक्ति की भावना आई कैसे, बोले से हरिदास ठाकुर जी का संग से। हरिदास ठाकुर कौन थे, पूर्व जन्म ब्रह्मा थे, कृष्ण के बछड़े सखा को चुराए, तो जब पता चला ये भगवान है माफ़ी तो मांगे, लेकिन ठाकुर जी देखा पूर्ण रूप में हृदय से माफ़ नहीं किया, इसलिए उन्होंने सोचा कैसे अपराध मेरा माफ़ होगा। देखा कलयुग में वही कृष्ण महाप्रभु बन करके आएंगे और उसी समय में ये बड़े दयालु बड़े कृपालु होंगे, उस समय कोई विचार नहीं करेंगे, हैं, इसलिए उन्होंने फिर कलयुग में उन्होंने हरिदास ठाकुर बन करके आए। उनका नाम ही हरिदास है, हैं, दिन में 3-3 लाख हरिनाम करते थे, 3-3 लाख। जब इनकी संग उनका मिला है तब उनके हृदय में भक्ति की भावना, यद्यपि ये भगवान की नित्य परिकर है, भगवान की नित्य भक्त है ये, लेकिन जगत में दिखा रहे हैं
भक्ति कैसे होता है, पहले भक्तों का संग से। जैसे चोर के साथ में बैठोगे चोर बन जाओगे, शराब के साथ में बैठोगे शराब बन जाओगे, गंजड़ी भंगड़ी के साथ में बैठो फिर वही बन जाओगे, बन जाओगे। लेकिन अगर भक्तों का संग करोगे तो क्या बन जाओगे, भक्तों का संग करोगे तो फिर भक्त ही बन जाओगे। इसलिए शास्त्र ने बताया, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ नाश होई। जब तक जीवन में हमें संतों का संग नहीं मिलता है, तब तक हृदय में भक्ति की भावना कौन बोएगा, संत लोग तो भावना देंगे। जैसे अभी इनके घर में प्रभु जी भक्ति कर रहे हैं, तिलक लगाए गले में कंठी मारा भगवा कैसे, क्योंकि इनका बेटा कहीं वृंदावन में गए, भक्तों का संग किया, भक्तों का संग से उनकी भावना आई, फिर उन्होंने यहाँ पर प्रचार किया, फिर एक दिन हम भी यहाँ पर आए, यहाँ पर आए। कारण क्या है, संतों का संघर्ष ही ये चीज हुआ। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, संघर्ष ही सब कुछ बनता है, जैसे संगत की कभी तुम्हारी रंग बदलेगा। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, भक्तों का संघर्ष ही भक्ति मिलता है। जब उनकी संग मिला, उनके हृदय में उनको पता चला, भैया जीवन किया है भगवान, हमें मानव शरीर क्यों दिया, ये 84 लाख जन्म के बाद में मिला, ठाकुर जी ये जीवन बारम्बार नहीं देते हैं, 84 लाख जन्म के बाद में एक बार मिला। भगवान राम स्वयं कहते हैं अयोध्या वासियों को समझाते, बोले हे अयोध्या वासियों, ये मानव शरीर नहीं, बोले साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाए न जई पर लोक सवार, ये मानव शरीर नहीं, ये साधन धाम, बोले 84 लाख जन्म भटकते भटकते जो शरीर मिलाए, इसी शरीर से ही तुम साधन कर सकते हो। ये शरीर के बगैर किसी को बोलो 84 लाख जीवन, और किसी को बोलो राम राम कृष्ण कृष्ण भगवान की भक्ति कर, कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। इसलिए भगवान के थे अयोध्या वासी हो, ये जो जीवन मिला है 84 लाख जीवन को बाद में मिला, अगर इसको इसे खा पी कर जानवर जैसे बिता दोगे, दोबारा ठाकुर तुमको मानव शरीर देने वाले नहीं। जितने सर पीट दो जैसे पेड़ रूप में खड़े, ये कोई भी पहले उनको इंसान मिल जीवन मिला है लेकिन भजन नहीं किया है, एक जगह खड़े रहो, सारी धूप गर्मी सर्दी सब सहन कर रहे हैं, लेकिन वो चाहने पर भी वो चाहे मानव शरीर हो जाए, उनको भी मानव शरीर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। चाहने पर भी जैसे जानवर लोग कष्ट भोग कर रहे, चाहने पर भी मानव शरीर मिल जाए, नहीं मिलेगा उनको। इसलिए भगवान कहते हैं सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा, अयोध्या वासियों को समझाते हैं ये मानव शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, पुण्य कर्म करके तो स्वर्ग जा सकते हो, वहाँ पर ऐसे कोई काम नहीं, फिर इस जगत में मानव शरीर पा सकते हो, उसके बाद में पता नहीं कौन सा पेड़ पौधा जीवन होगा, हैं? हमें तो पता नहीं, हम ऐसे समझते हैं ये टपक पड़े कहीं से, नहीं। भगवान कहते भैया ये मानव शरीर 84 लाख जन्मों के बाद में तुमको मिला है, कितने कष्ट तुमको भोगना पड़ा तभी ये मिला, लेकिन अगर पा करके फिर वही खा पी करेगी दो चार बच्चे जन्म दिया बड़ेगा फिर मर गए, भले भैया कौन से जानवर ही काम नहीं करते हैं, गधे कुत्ते सुअर को देखो, सुअर को देखो 10-10 बार बार बच्चा जन्म देता रहा, एक महीना में बड़ा कर दिया, तुमने कितने बच्चा जन्म दिया, दो चार, कौन सा बड़ा 3 मार दिया तुमने, भगवान कहते हैं। इसलिए अगर सारे काम को तुमने की लेकिन भगवान के भजन नहीं किया ना, लास्ट में जीरो जीरो मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा तुमको। इसलिए कल 4 बहू की कथा सुना रही थी ना, कौन सा बहू साफ मिलेगा, चौथी जिसको राजा जीवन में सबसे ज्यादा निकले तक रखा था, बेकार है, जिन जिन को प्रेम करता था शरीर को प्रेम करता शरीर आ गया, पैसा को प्रेम करता था दूसरे के पास में शादी हो गया, और उन्होंने पत्नी परिवार को प्यार करते थे, पत्नी दरवाजा तक गई परिवार शमशान तक गई वापस आ गए, किसको नेगलेक्ट करके रखा था, भगवान की भक्ति को, बोले सब बेकार काम है, जिसका काम धाम नहीं उसमें माला लेकर हरे कृष्ण करता, हमारे बहुत सब काम टीवी देखना स्मार्टफोन देखना गप्पे मारना यार दोस्त घूमना, ये कोई भी तुम्हारी काम में नहीं आने वाले। इसलिए जब इनको ऐसे साधु संग मिला है ना, उनको सब बात को सुने सुन करके वैराग्य हो गया, तो नहीं ये जीवन को और हमें विषय में नहीं गमानी, ये जीवन को भगवान की भक्ति में हम देना है। इसलिए उन्होंने इस घर बार छोड़कर बारम्बार चले जाते थे महाप्रभु के पास में, चैतन्य महाप्रभु के पास में भक्ति करने के लिए, लेकिन एक ही बेटा है, हैं? उसको क्या करते थे पिता माता, 2 भाई में एक बेटा और इंद्र के बराबर जिनका ऐश्वर्य है, अभी जब चले जाए फिर ले आए, बोले एक काम कर दो, बोले क्या,
और इसको शादी करा दो किसी सुंदर लड़की से, फिर इसके मुंह में ये फंस जाएगा। फिर उन्होंने देख देख करके एक राजकुमारी से शादी करा दिया। इसलिए कहते पत्नी कैसे थी, बोले इंद्र के कहते अप्सरा जैसे। हम कहते ना किसी लड़की को, देखो ये लड़की अप्सरा जैसे सुंदर, अप्सरी बड़ी सुंदरी होती है, इसलिए अप्सर जैसे उनकी राजकुमारी से उन्होंने शादी करा लिया। लेकिन जिसको कृष्ण भक्ति की चस्का लग जाए ना, ये संसार का जितने सुख है उसको सामने सब फीकी पड़ जाती है, सब सुख उसको सामने, कृष्ण भक्ति में जो आनंद है। लेकिन तब भी वो बारंबार भाग जाए, तब भी बारंबार भाग जाए। जब भाग जाए इतने में उनकी जो माता जी थी उसको पिताजी को बोले, बोले क्या कर रहे हो, ये भागते जा रहे हो तुम, पकड़ पकड़े लाते हो, एक काम करो लोहे की जंजीरी में इसको हाथ पैर को बांध दो, उसको बांध कर घर में रख लो, फिर जा नहीं पाएगा। तब उसको पिताजी कहते तो पागली हो, संसार में दो चीज सबसे ज्यादा बंधन का कारण है, एक पैसा और एक पत्नी। संसार में जीव क्यों पड़ा हुआ बताओ तो, किस लिए पड़ा हुआ, केवल यही दो चीज में बंधे पड़ा हुआ है। कहीं जाने पर भी, कहीं विदेश जाने पर भी पैसा किस लिए कमाते हो, पत्नी के लिए है? अपना घर बार छोड़कर कहाँ कहाँ दूर दूर देश में जा करके पैसा, प्राण को दे करके पैसा कमाते, किस लिए, पत्नी परिवार के लिए, तभी तो कमाता ना, इसलिए कष्ट क्यों करता है, इसलिए करता है। इसलिए ये दो चीज जीवंत बंधन है, जब ये बंधन उसको रख नहीं पाए, और लोहे का झंझरी क्या रख दिया, पागली चैतन्य बात तुम जा रख के रखते पारे, महाप्रभु का प्रेम में जो पागल हो गए दुनिया में कोई उनका रखा नहीं, उनको नहीं बचा सकते हैं। एक बार क्या हुआ है, वो जो महाप्रभु के पास में चले गए, फिर उनको पकड़ कर लिया, पकड़ कर ला करके ना, वो तो राजा घर के जैसे थे, राजा घर के जैसे थे। अभी उनको कहीं पेशाब करने के लिए जाए उसको पीछे दो व्यक्ति जाए, कहीं सोए दो व्यक्ति जगवाल करे, कहीं पायखाना करने के लिए जाए उसको पीछे, कोई भाग नहीं जाए घर से। एक दिन उन्होंने देखा ये लोग तो हमें किसी तरह से छोड़ नहीं सकते, क्या किया जाए। इतने में उनका एक देवी मंदिर थी चैतन्य गुरु जी का, चैतन्य गुरु रघुनाथ, इसलिए कहते इनकी एक देवी मंदिर थी। एक दिन क्या, वो जो पुजारी आता है ना सवेरे, उनको पूजा किया था, वो आने में थोड़ा लेट कर दिया। तब ये रघुनाथ दास गोस्वामी बोले, देखो अभी पुजारी आने में देर कर रहे हैं, मैं जा करके पुजारी को बुलाने जा रहा हूँ। बस पुजारी को बुलाने का बहाना बनाए, बस वहाँ से चल चल करके बंगाल से और चल के जगन्नाथपुर, महाप्रभु रहते थे बहुत दूर, महीना की रास्ता है, हैं उन्होंने बहाना भर के गए, तो गए महाप्रभु के पास में चले गए। लेकिन वहाँ जाने से पहले क्या हुआ, एक दिन नित्यानंद प्रभु आए थे, नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु, बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु आए, कभी उन्होंने मिलने के लिए गए, तब उन्होंने बोले, बोले तू चोर हो, बोले क्यों, बोले राधा कृष्ण का संपत्ति मेरी है, तू मेरे को बिना बोले ये संपत्ति को तू हड़पना चाहता, तू चोर हो गया ना, बिना बोले किसी संपत्ति को हड़प कर। इसका मतलब है जब तक जीव को ऊपर में गुरु जी की कृपा नहीं हो, ठाकुर जी किसके संपत्ति, गुरु जी की संपत्ति है, जब तक गुरु जी की कृपा नहीं हो तब तक भगवान के पास में तुम जा नहीं सकते। बोले आज तुमको दंड देंगे, बोले भक्त क्या दंड दोगे, बोले सारे भक्तों को उत्सव किया, क्योंकि भक्तों का हृदय में भगवान का निवास है, जब भक्तों को तुम भोजन कराओगे उनके हृदय में ठाकुर जी बैठे हुए, इसलिए जब संतों की कृपा हो जाएगा फिर ठाकुर तुमको मिल जाएंगे। वो बड़े खुश हो गए, नाव में भर भर करके उधर है ना जो चिड़वा कहते चिड़वा, हाँ पोहा, पोहा जिसे बनाते हैं पोहा, इसलिए उन्होंने वहाँ पर बंगाल में इसको खाते हैं, उसमें दही डाल करके और उसमें केला संदेश मिठाई डाल करके, फिर गर्म दूध में इसको डाल करके चिड़वा और उसमें संदेश केला ये सब डाल करके ना, उधर का बड़ा प्यारा भोजन है। पास उन्होंने सारे भक्तों को खूब खिलाया, भक्तों को खिलाया, भक्त लोग हृदय में खुश हो गए। जब भक्त लोग खुश हो गए भगवान खुश हो गए, पास उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो अंतिम समय में जो उन्होंने घर छोड़ कर गए महाप्रभु के पास में, महाप्रभु खुश हो गए, प्रसन्न होकर के बोले देखो तुम्हारे ऊपर में ठाकुर जी बहुत कृपा है, ये संसार का बंधन छोड़ना इतने आसानी नहीं। बोले बंगला में कहते कोटि जन्म रे थाकिले भाग्य विषय छाड़ी है वैराग्य, जब करोड़ों जन्मों का कोई पुण्य उदय हो तभी ये संसार माया ममता कोई छोड़ सकते हैं। आपको बोलेंगे तब छोड़ सकते हो माया संसार, एकदम नहीं, एक दिन के लिए कहीं जाते हो नहीं, हमारी गैया है वहाँ भैंसी बंधा हुआ हमारे घर है नहीं जाएंगे, तो एक दिन के लिए भी संसार की मोह माया से एक दिन के लिए भी हम संसार के
जा नहीं पाते हैं। और इसको पूरा त्याग करके कोई जाए भगवान की भजन करने के लिए, कहते भैया करोड़ों जन्मों का पुण्य नहीं होगा ना, कोई भक्ति जगत आसानी नहीं। जो ऐसे कोई संत बन जाते उसको 21 पीढ़ी भगवान उद्धार कर देते हैं, हैं? कहते उसके पिता माता के जीवन धन्य हो जाता है, पूर्वज लोग स्वर्ग में नाचना शुरू कर देते हैं, हमारे कितने भाग्य है हमारे भक्तों में एक वैष्णव बन गया, अभी हमें चिंता नहीं, हमको नर्क से हमारे उद्धार हो जाएगा। ये पृथ्वी भी अपने आप को धन्य मानती है, और जो वैसे हाथ उठा कर नृत्य करते हैं स्वर्ग में देवताओं का कल्याण होता है, जब उनका दृष्टि जितने दूर तक जाती है सारे पाप नष्ट हो जाता है, और जो नृत्य करते हैं उनका चरण स्पर्श ये पृथ्वी पा करके अपने आप को धन्य मानती है, हमारे अहो भाग्य है संतों का चरण हमारी पृथ्वी पर पड़, इतने भाग्य है। इसलिए महाप्रभु खुश हो गए, महाप्रभु खुश होकर उनको पिताजी को जो पता चला तो राजा करके बैठा थे, जो पता चला फिर चला गया बोले कितना बदलाव, तो उनने 3-4 सेवकों को भेज दिया और उनने रुपया पैसा दे करके भेज दिया, अरे बेटा इतने राजा की बेटा कहाँ कहाँ खाएगा क्या करेगा। फिर उनके पिताजी ने जब उन्होंने पैसा और 3-4 ब्राह्मण भेज दिया हमारे बच्चे को भोजन बना कर खिलाना, तो उन्होंने बच्चों को भोजन बना कर खिलाते थे, महाप्रभु को निमंत्रण करते थे, महाप्रभु भी प्रसाद बांटते थे। लेकिन कुछ दिन बाद में उन्होंने देखा महाप्रभु हृदय से प्रसन्न नहीं, बोले क्योंकि जब कोई सब कुछ छोड़ करके भगवान की शरण में आता है उनको विश्वास होनी चाहिए, रक्षित सति इति विश्वास, मतलब भगवान जब एक चिट्ठी से लेकर हाथी को जो खिलाने वाले हैं उनका कोई भजन करे नहीं करे जब दुनिया खिलाते तो क्या हमें नहीं खिलाएंगे ठाकुर जी, उनको विश्वास होनी चाहिए ठाकुर जरूर हमें भरणों को सड़क करेंगे, ये विश्वास होनी चाहिए है ठाकुर जी का प्रति। देखिए महाप्रभु हृदय से खुश नहीं, फिर उनको उन्होंने भैया तुम अपना कर्म जा, फिर भोजन कैसे करेंगे, हाँ जगन्नाथ मंदिर कभी गए हो जगन्नाथ मंदिर नहीं गए, जैसे जगन्नाथपुरी में वहाँ पर मार्केट में चावल दाल सब्जी बहुत टेस्टी वहाँ पर बिकता है, हैं चावल दाल सब्जी मालपुआ और राबड़ी और वहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर पकवान बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर बिकता है वहाँ पर। इसलिए कभी जगन्नाथपुरी कभी ये करना प्लानिंग करना, रथ जगन्नाथ रथ यात्रा में चलना है, जगन्नाथ जो रथ में बैठते हैं कहते रथ में एक बार कोई दर्शन कर ले कहते पुनर्जन्म न बीतते, उसका पुनर्जन्म संसार में नहीं होता है, रथ यात्रा में बड़ी महत्व है। इसलिए उन्होंने क्या करते थे वहाँ पर चावल बिकता था और जब कोई चावल नहीं बिकता था फिर वो लोग क्या करते थे, चावल लोग क्या करेंगे जो मंदिर के बाहर जो दुखी दरिद्र व्यक्ति बैठे होते थे उनको दे देते थे, वो वहीं पर बैठते थे और उनको जो थोड़ी बहुत चावल दाल मिल जाता खा करके भजन करते थे। लेकिन महाप्रभु उसमें भी संतुष्ट नहीं हुए, उसमें भी संतुष्ट नहीं करोगे बोले बोले ये तो वैश्याओं का वृत्ति, जैसे कोई वैश्या क्या सोचती ये पुरुष आ रहे जरूर ये मेरे पास में आएगा, लेकिन वो आया नहीं सामने होते हुए चला गया, फिर कोई पुरुष आए ना बोले ये तो जरूर मेरे पास में आएगा, जैसे ऐसे करते करते जैसे बीत जाती है ना तो तुम तो ऐसे ही भावना है कोई आएगा मेरे को देगा कोई आएगा, ये भगवान ऊपर शरणागति नहीं है। इसलिए महाप्रभु जो ये चीज फिर उसको भी त्याग दे दिया, त्याग देकर क्या करते हैं जब वो चावल कहीं नहीं बिकता है ना उसको एक जगह है उसको वहाँ पर फेंक देते हैं, जब फेंक देते हैं वो क्या करते हैं उसको धो करके अब जो ना चावल का अंदर का थोड़ा अंदर कड़क जाती है चावल के अंदर उसको 2-3 बार धो करके ना उसमें नमक डाल के खा लेते हैं, और ऐसे 24 घंटा में 24 घंटा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे 24 घंटा प्रभु का भजन करते थे। एक दिन जो ऐसे खा रहे थे साक्षात भगवान आ गए चैतन्य महाप्रभु आ गए, बोले तू रोज रोज इतने बढ़िया बढ़िया चीज खाते हो अकेले अकेले मेरे को बिना दिए खाते हो, वो जो खा रहा था ना भगवान भी उसको उठा कर खाए, तुम भक्त खा रहे ना भगवान भी उठा कर खाए, भगवान एक दो बार खाए उनको साथ में एक स्वर्ग बोले प्रभु ये आपका भोजन नहीं है आप मत खाए, उन्होंने ऐसे भजन किया, फिर उनको उन्होंने भेज दिया वृंदावन में जाओ वृंदावन में भजन करो, जो वृंदावन में आकर के भजन करते थे राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज कुंड दोनों कुंडों के बीच में बैठ करके माला लेकर के एकदम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे, जो हरि नाम करते थे राधा रानी स्वयं आकर के उनके सर के ऊपर में कपड़े से ढक कर छाया करते राधा
एक दिन सनातन गोस्वामी उनके जो और गोस्वामी उन्होंने देखा इस चीज को कि कैसे धूप में बैठकर भजन कर रहा है और राधा रानी स्वयं इनके सर के ऊपर कपड़े ढक करके खड़ी है और देखा पास में दो शेर को पानी पीते हुए। तो उन्होंने उनको समझाया, बोले देखो तुम इतने कष्ट करके भजन करते हो, तुम तो धूप में बैठे हो, राधा रानी को कष्ट होता है। हमने देखा तेरे सर के ऊपर राधा रानी कपड़े ढक करके खड़े हुए थे, राधा रानी को कष्ट मत दिया करो। और देखा दो बाघ को भी पानी पीते हुए मैंने देखा है, हैं, इसलिए तुम्हारे लिए एक कुटिया बना देता हूँ। उस समय तो कुटिया मतलब है जैसे भूस भूस को दे करके, पत्ते को दे करके, फिर उस समय तो बहुत पुराना ना 550 साल पहले, तो उससे उन्होंने एक कुटिया बना दी, इसको अंदर में बैठ करके तुम भगवान के भजन करो। तो उसके अंदर में उन्होंने बैठ करके ऐसे भजन किए और ऐसे ऐसे उन्होंने शास्त्र ग्रंथों को बनाया, अद्भुत अद्भुत शास्त्र ग्रंथ बनाया। इसलिए उनका एक ग्रंथ है जिसका नाम मन शिक्षा। मन शिक्षा मतलब है अपना मन को सिखा देते हैं, क्योंकि जो मन है हमारे मेन है, ये मन ही बंधन का कारण है, ये मन मुक्ति का कारण। जब ये मन को भगवान के भजन में लगा दोगे देखना मुक्ति का कारण बन जाएगा, लेकिन ये मन को जो विषय में लगा दोगे फिर संसार का बंधन का कारण बनेगा। इसलिए सब कुछ मन को निर्भर करता है। इसलिए हमारे गुरु जी के गुरु जी कहते थे सवेरे उठो और अपना जूती लो, अपना जूती लेकर ये मन को सवार पीटो, सवार पीटो। बोले पीटो मतलब क्या, ये मन को समझाओ। अब देखे ना ये सारे गंदे काम के लिए पहले तैयार बैठता है, सिनेमा जाए घूमने के लिए पहले, जब उसको थोड़ा माला जप करो भगवान की पूजा सेवा करो, बोले समय कहाँ है। और जिसके लिए भगवान तुम्हें जीवन दिया, मातृगर्भ में भगवान से वायदा करके आए, एक बार केवल ये मातृगर्भ से निकाल दो टाटी पैसा का थाली से, उठते बैठते सोते तेरे भजन करूंगा। और जो उस काम के लिए आए वो काम के लिए वो समय नहीं देता है, और जो नहीं करने के लिए आए ना दिन भर उसको पीछे घूमता है, दिन भर उसको पीछे घूमता है। और जिसमें तुम्हारी मुक्ति मिलेगी, संसार से सुख को शांति मिलेगी, उसके लिए हमारी कोई समय नहीं। इसलिए उसका नाम दिया मन शिक्षा। ये मन को क्या शिक्षा देनी चाहिए, तो एक श्लोक को हम सुन लेते, क्या बोलते हैं, बोले गुरु गोष्ठे गोष्ठाल सो सुजने भूसर गणी। या कहते हैं सबसे पहले हमारी भक्ति श्री गुरु जी के चरण में होनी चाहिए, क्योंकि जब तक गुरु जी की कृपा नहीं हो ना तब तक भगवत प्राप्ति हमें नहीं हो सकती। इसलिए पहले गुरु जी के शरण में हमें जा करके गुरु जी का चरण आश्रय हमें करनी चाहिए। इसलिए पहले उन्होंने गुरु शब्द को उन्होंने ग्रहण किया है। जैसे इसी जगत में देखो एक जो शराब पीता है ना उसका भी कोई गुरु होगा, वो ऐसी शराब नहीं पी रहा है, कोई बोला होगा अरे तो पी लो, शादी का समय बोला हमारे परिवार में कोई नहीं पीते, चलो रोज थोड़ी पीते हो, आज एक घोट ले लो, हैं बस धीरे 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 गुरु बना दिया और क्या है, शराब पीना शुरू कर। तो चोर है जो चोरी करते हैं उसका भी कोई गुरु है, हैं जो सिगरेट फूंकता है उसका भी कोई गुरु है। इसलिए हर चीज स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, बगैर गुरु से थोड़ी ज्ञान होता है। जो जड़ विद्या के लिए तुमको गुरु चाहिए वो तो आध्यात्मिक विद्या है, तो ब्रह्म विद्या है, तो उसी के लिए भी तो कोई गुरु हमें चाहिए जो कि हमें भगवान तक हमें जो ले जाए। इसलिए सर्वप्रथम उन्होंने कहते हैं पहले गुरु जी को, इसलिए कहते ना गुरु गोविंद दो खड़े काज लाभ पाऊं, बलि हरि श्री गुरु जी जो गोविंद दिए बताएं। अगर गुरु अगर भगवान खड़े हुए पहले किसके चरण में प्रणाम करेंगे, पहले गुरु जी के चरण, क्यों ठाकुर का मार्ग हमें कौन दिखाएगा, गुरु जी तो दिखाएंगे ना। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं, उन्होंने जब गए गया में पिंड देने के लिए, जो उन्हें गुरु जी से मिले, भगवान खुद कहते हैं प्रभु बोले गया यात्रा सफल हमार, आज हमें गया आना सार्थक हो गया। बोले क्यों, बोले आज हमने श्री गुरु जी को दर्शन किया है, हैं। इसलिए गुरुदेव ये शरीर आपको मैं समर्पण कर रहा हूँ, ये संसार सागर से आप कृपा करके हमें उद्धार करो, हमें उद्धार करो संसार से। इसलिए पहले कहते गुरु, बोले उसके बाद में फिर गोष्ठे, गोष्ठ मतलब वृंदावन धाम, जहाँ पर भगवान जी सुंदर सुंदर लीला करते हैं। इसलिए कभी कभी वृंदावन धाम हमें जानी चाहिए। जब यार दोस्तों घर में जाते हैं ठाकुर का स्थान में क्यों नहीं जाए, जहाँ पर ठाकुर जी लीला किया वहाँ जाते ही, वहाँ स्पर्श करते ही अपने आप हृदय में भक्ति के भाव को, स्वाभाविक रूप में भक्ति की भावना हृदय में जागृत होता है, हैं। कहते गुरु गोष्ठे गोष्ठालय सु, मतलब वृंदावन में जो भक्त लोग रहते हैं वह वृंदावन के जैसे नंद यशोदा, हैं जैसे हम सबरे कीर्तन करते हैं ना,
जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन राधा जो कहते हैं, इसलिए कहते हैं जो भक्त लोग उनका चरण भी हमारी प्रीतिमती होनी चाहिए। भले सुजन है, भले सुजन मतलब होता है जो वैष्णव चार वैष्णव संप्रदाय है, चार वैष्णव संप्रदाय में जो संत है सबको यथा जो हमें आदर देनी चाहिए। और भूसुर मतलब पृथ्वी का जो देवता, कौन बोले देव, कौन बोले ब्राह्मण, बोले ब्राह्मणों को भी सम्मान हमें देनी चाहिए। क्योंकि बोले कौन सा ब्राह्मण को, बोले सचमुच से जो ब्राह्मण धर्म को जाचन करते हैं, गायत्री मंत्र जप करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वर्ण आश्रम धर्म को पालन करते, ऐसे नहीं ब्राह्मण होकर पीते हैं शराब पीते हैं, नहीं, ऐसे ब्राह्मणों को पूजा नहीं करनी चाहिए। जो धर्म से भ्रष्ट है, हैं उल्टा पुल्टा खाने वाने जो मांस मछली खाते हैं, ब्राह्मण होकर के सारे धर्म कर्म विच्युत है, कहते नहीं वो ब्राह्मण नहीं राक्षस है, वो राक्षस उनको बताया। बोले पलो ब्राह्मण राक्षस आ कलिमा से तो जाए थे ब्रह्म जो नहीं सो, इसलिए बताया जो धर्म कर्म को छोड़ कर गलत काम करते हो राक्षस उनको बताया है शास्त्र में। इसलिए ब्राह्मण वही जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भगवान की पूजा पाठ करता है, गायत्री मंत्र जप करता है और अपना वर्ण आश्रम को जो पालन करता है, ऐसे ब्राह्मण को सम्मान हमें देनी चाहिए। विष्णुगणित बोले सो मंत्रे, बोले गुरुदेव ने हमने जो मंत्र दिया है ये मंत्र को रोज रोज ठीक ठीक से ये मंत्र को हमें जप करनी चाहिए, मंत्र को करनी चाहिए। बोले श्री नाम ने, और किसमें प्रीति हुई, भगवान के नामों में, भगवान की नाम में जरूर रुचि हो, क्योंकि भगवान का नाम, भगवान कलयुग में अपना नाम रूप में आए हैं, कलयुग में ठाकुर जी अपना नाम रूप में आए हैं, इसलिए इसे नाम से महाप्रभु कहते हैं मैंने तुम लोगों को ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया है और ये हरे कृष्ण महामंत्र को ठीक से महामंत्र को जप करो। और महाप्रभु जब संन्यास लेकर जा रहे हैं तो भक्तों को विशेष करके कहते देखो कलयुग में मैं दो रूप में अवतरण होऊंगा। बोले कौन सा रूप में, बोले एक रूप तो जैसे ठाकुर जी है, पार्वती भाई ठाकुर जी है ना, कहते एक रूप ये है और दूसरा रूप ये भगवान का नाम, ये दो रूप में प्रकट होगा। भगवान बोले कलयुग में ये दो चीज प्रतिपन्न करो, हर घर में ठाकुर जी की जरूर ठाकुर होनी चाहिए हैं। लेकिन कभी कभी हम कहते ना डग के लिए तो रूम बनाते हैं लेकिन गार्ड के लिए कोई रूम नहीं, समझ रहे हो, कुत्ते के लिए तो घर बना देते हैं उसकी सेवा में तो लग जाते हैं लेकिन ठाकुर जी की सेवा नहीं करते हैं, जिसमें ठाकुर तुम्हारी कल्याण हो उनके लिए सेवा में कुछ नहीं करते हैं। जिसने सब कुछ दिया, जिसका सब कुछ है सब, लेकिन उसकी सेवा के लिए हम उसके लिए कोई समय नहीं देते, लेकिन कुत्ते की सेवा में हम समय को उसकी सेवा में दे देते हैं। बोले नहीं, पहले सवेरे उठ करके ठाकुर का स्नान कराओ, चरणामृत लो, तुलसी परिक्रमा करो, पानी दो, गीता हो रामायण हो, सवेरे बैठ कर थोड़ी इसको अध्ययन करो हैं, अध्ययन करके भगवान की माला लेकर के थोड़ी समय उनको दो, दे करके फिर क्या करो, फिर अपना संसार का जो काम करो, संसार नहीं अपना घर को समझो, भगवान ने कृपा करके घर दिया, ठाकुर का घर है, घर में झाड़ू लगाओ तो भगवान को मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, रसोई बनाओ तो किसके लिए रसोई, ठाकुर को भोग के लिए, ठाकुर जी को भोग लगेगा इसलिए, लेकिन अगर प्याज लहसुन खाओगे तो भोग लगा ही नहीं सकते हो, इसलिए प्याज लहसुन को त्याग देनी चाहिए, ठीक है ना, प्याज लहसुन को त्याग दो भगवान के लिए हैं, अगर भगवान चाहते हो, अगर भगवान नहीं तो फिर प्याज लहसुन खाओ, अगर भगवान चाहिए तो ये गंदी चीज़ को हमें त्याग देनी चाहिए, ठीक है। प्याज लहसुन अच्छी चीज़ नहीं है, ये तामसिक वस्तु है, जैसे नवरात्रि आती है ना, नौ दिन तो कोई इसको नहीं खाते हैं, इसलिए पुराण में बताइए गो मांस गैया का मांस ही सृष्टि हुआ है। और दूसरी कथा ही भगवान जब दैत्य वो मारे, वो मांस जहाँ पर गिरा वहाँ पर प्याज का पौधा हुई, इसलिए देखना ठाकुर को सेवा नहीं लगती है, भगवान के भोग भी सब चीज़ नहीं लगती हैं हैं, इसलिए क्या करनी चाहिए, एक तो स्वरूप ये जो ठाकुर का स्वरूप है, दूसरे स्वरूप है उनका नाम जो हरि नाम, क्योंकि अंतिम समय में हमारे यही साथ देगा और कोई हमारे साथ देने वाले नहीं, इसलिए मरते समय ले जाएंगे राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा ये तो बोलेगे ना, इसका मतलब क्या, जो ऊपर जो लेटा हुआ उसको सब बोलते बोले देख बेटा जीवन में जितने राम और कृष्ण का नाम लिया वही जा रहा है, इसके सिवाय तो जो कुछ अगड़ों बगड़ों ने इकट्ठे किए हो यहाँ से एक सुई धागा भी तेरे साथ नहीं जा रहा है, जितने प्रभु का नाम लिया वही साथ में ही जा रहा है, इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो,
वस्तु अमोल पदीम रे सदगुरु कृपा अपनायो पायो जो मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं ये रघुनाथ दास गोस्वामी प्रथम श्लोक मन को समझा रहे, बोले हे मन तेरे पांव पड़ता हूँ, तेरे चरण पकड़ता हूँ, क्या करो ये सब प्रति मन को लगा। बोले प्यार क्यों पड़ता है, कहते प्यार क्यों पड़ रहा है, बोले इसलिए ये मन हर चीज में लगता है, उल्टा पुल्टा चीज में लगता है, लेकिन जब भजन की बात बताओ ना वो हजार बहाना बज करते हैं, हजार बहाना, ये हो गया वो काम पड़ गया वो काम पड़ गया, लेकिन शादी हो पहले तैयारी, सिनेमा देखने हो पहले तैयारी, सारे उल्टा पुल्टा चीज में पहले तैयार बैठेगा, दस दिन से सोचेगा शादी में कैसे कपड़े कैसे मैचिंग सब चीज पहन करके ही जाएगी, लेकिन जब भजन की बात बताओ ना मन को हजार बहाना बाजी, ये हो गया वो हो गया, एकदम तैयार नहीं होता। इसलिए यहाँ पर कहते भैया तेरे पाप पकड़ता हो तुम मान जा, जीवन तुमको भगवान बड़े कीमती जीवन दिया, ये जीवन को ऐसे बर्बाद मत किया करो, ये जीवन को भगवान के भजन में लगा दो। इसलिए करके तुमको प्रार्थना करता हूँ, ठीक है ना, इसलिए जीवन में भजन करो, भगवान की भक्ति करो और जीवन में खुश रहो। बोले श्री वृंदावन हरि लाल की जय, जय जय श्री राधे।